मुंबई से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुंबई जेल में बंद नवाब मलिक को बड़ा झटका लगा है। मुंबई शासन कोर्ट ने उनकी याचिका रद्द कर दी है। हवाला के तहत वो जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम की बहन के साथ काम कर रहे थे, बहन हसीना के साथ काम कर रहे थे नवाब मलिक, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद हैं नवाब मलिक, जो उन्होंने जुलाई में जमानत याचिका दायर की थी उसे मुंबई सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब उन्हें कोई राहत तो नहीं मिलने वाली है। मुंबई जेल में बंद है नवाब मलिक, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है नवाब मलिक, जो कि उन्होंने जुलाई में जमानत याचिका के लिए अपील दायर की थी जिसे सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं संतोष मौर्य, सहयोगी मुंबई से। संतोष, जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, क्या कुछ दलील उनके वकील ने दी थी और कोर्ट्स ने किस बिना पर उनकी जो याचिका है वो खारिज कर दी? दीपक जी, जिस प्रकार से राज्य के जो भूतपूर्व जो मंत्री है नवाब मलिक, इनका आज जो जामीन अर्ज जो रिजेक्ट कर दिया है मुंबई सेशन कोर्ट ने, तो मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण में जो कुर्ला में जो एक जमीन थी उसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामला सामने आने के बाद ईडी ने उनके ऊपर ये कार्रवाई, अरेस्ट की कार्रवाई की थी। ये शुरू फरवरी महीने में उनको इस प्रकरण में अटक किया था, जब से वो न्यायालय को न्यायालय कोठड़ी में ही है। लेकिन आज जो कोर्ट ने जो निरीक्षण नोंदा है, ये किया टिप्पणी की है, उसमें ऐसा कहा गया है कि जो मुनीना जो प्लम्बर है उन्होंने जो स्टेटमेंट जो ईडी के सामने दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको नजरअंदाज किया नहीं जा सकता है। और उसमें पुनीला प्रम ने कहा था कि नवाब मलिक और जो उन्होंने जो जमीन ली है जो अफिडेविट उनके नाम पे जो दिया गया है वो गलत है, फ्रॉड अफिडेविट है जो उन्होंने डमी बनाया था और उसके आधार पर उन्होंने ये जमीन बड़का ली थी। और उसके बाद ये जो जमीन बड़काने के लिए जो दाऊद इब्राहिम की जो बहन जो है हसीना पारकर, उनका जो ड्राइवर था उन्होंने ये जमीन बड़काई थी और उसके बाद ड्राइवर से ये जमीन नवाब मलिक इन्होंने खरीदी थी। और कहीं ना कहीं ये पूरे मामले में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और टेरर फंडिंग सामने आने के वजह से कहीं तभी ये मामला अतिशय गंभीर होने की वजह से आज न्यायालय ने उनको जामीन रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि आने वाली तपास महत्वपूर्ण, ईडी ने उनके याचिका पर पहले से विरोध दर्शाया था उनको जामीन नहीं देने के लिए। और वही नवाब मलिक की ओर से कहा गया था कि जिस प्रकार के जो आरोप लगाए हैं ईडी ने वो पूरी तरह से बेबुनियाद और पॉलिटिकल मायने से लगाए गए हैं, क्योंकि राज्य में जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार आई थी, जब महाविकास आघाड़ी के जो नेता है प्रमुख नेता है उनके ऊपर कई तभी बीजेपी केंद्र के तपास इंद्रियों को हाथ में रखते हुए इन सभी नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर रही थी, इस प्रकार की जो बातें, इसीलिए ये सब कार्रवाई की गई है। लेकिन जब स्टेटमेंट और जो आज जब पुरावे जब कोर्ट में पेश हुए और उसके बाद आज कोर्ट ने नवाब मलिक इनका जो बेल एप्लीकेशन था वो रिजेक्ट कर दिया है। जानकारी के लिए शुक्रिया संतोष। और इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने तमाम बिंदुओं को देखा, उसके बाद ये याचिका खारिज कर दी गई है, अब उन्हें जमानत नहीं दी जाएगी।